आतंकवाद पर भारत की करारी चोट, कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बिट्टा कराटे पर कड़ा प्रहार, आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन को भी मिली सजा, जम्मू कश्मीर की सरकार ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बिट्टा कराटे पर करारी चोट की गई है, जबकि आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन को भी सजा दी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने बिट्टा कराटे की पत्नी समेत 4 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चारों को आतंकियों से रिश्तों के कारण नौकरी से बर्खास्त किया गया है। बिट्टा कराटे आतंक से जुड़ी घटनाओं का आरोपी रहा है। बिट्टा कराटे कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले में आरोपी है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को 4 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। इसमें आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन का बेटा भी शामिल है। चारों कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है। ये अनुच्छेद सरकार को बिना किसी जांच के कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार देता है। अभी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे टेरर फंडिंग के मामले में जेल में कैद है, जबकि उसकी पत्नी जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। उसकी पत्नी असवाह खान ग्रामीण विकास निदेशालय में नौकरी कर रही थी। इसके अलावा उद्योग और वाणिज्य विभाग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रबंधक सैयद अब्दुल को भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। वो आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन का बेटा है। सैयद सलाहुद्दीन प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है। इसके अलावा वैज्ञानिक डॉक्टर मुहित अहमद भट्ट और कश्मीर विश्वविद्यालय में नियुक्त माजिद हुसैन कादरी को भी बर्खास्त किया गया है। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक साल के दौरान करीब 40 सरकारी कर्मचारियों को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था और उन सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बिट्टा कराटे पर 90 के दशक में 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप है। कुछ महीने पहले रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद बिट्टा कराटे फिर से खबरों में आया था। बिट्टा कराटे पर 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप है, लेकिन उसे इस मामले में सजा नहीं मिली। आतंकवादी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे ने एक वीडियो में माना था कि उसने कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की हत्या की थी। उस वीडियो में बिट्टा कराटे ने कहा था कि घाटी में आतंकी घटनाओं की शुरुआत के बाद उसने टिक्कू की हत्या कर दी थी। बिट्टा कराटे पर घाटी के युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाने के आरोप भी लगे हैं। बिट्टा कराटे के आतंकवादी संगठनों के साथ ही ISI से रिश्ते हैं। बिट्टा कराटे के ट्रायल के दौरान उसकी पत्नी असवा सुर्खियों में आई थी। पहली बार असवा को 2003 में शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर में नौकरी मिली थी। दावा किया जाता है कि बैकडोर से उसकी नियुक्ति की गई थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2003 से 2007 के बीच असवा कई महीने तक ड्यूटी से गायब रही थी। इसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। असवा को अगस्त 2007 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उस पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए फंड जुटाने के आरोप हैं। नौकरी से गायब रहने के दौरान असवा ने जर्मनी, UK, श्रीलंका और थाईलैंड की यात्रा की थी। वो नेपाल और बांग्लादेश की यात्रा सड़क से करती थी। असवा ने 2011 में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास की थी। इसके बाद उसने बिट्टा कराटे से शादी कर ली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।